जी हाँ, अमरीका का सैनिक, एक ऐसा सैनिक इतना बड़ा गद्दार निकला कि अमरीका के पैरों के तले से जमीन निकल गई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बहुत कम वक्त में आपको आसान और सिंपल भाषा में मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ये खबर मिस ना हो कल भी, क्योंकि हर दिन हम मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों, अमेरिका का एक सैनिक, अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस दाइश संगठन से जुड़ा हुआ था, उनको मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन शेयर करता था, अमेरिका के सैनिकों पर हमला करने में आईएसआईएस की मदद करता था। अब ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस सैनिक का नाम कॉल ब्रिज माना जा रहा है। अब इसको 40 साल की सज़ा हो सकती है। अमेरिका की एफबीआई ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और ये जो है ट्रेनिंग दे रहा था आईएसआईएस को और डायरेक्शन दे रहा था कि किस तरह से आप अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में भी हमला कर सकते हैं, साथ ही किस तरह से आप और भी ज़्यादा क्राइम कर सकते हैं। और इसने दोस्तों आईएसआईएस के भेष में कई वीडियो धमकाते हुए अमरीकी को और अमेरिका के लोगों को और यूरोप और वेस्टर्न देशों के लोगों को डराते हुए जारी किया था, जो मैं वीडियो दिखा नहीं सकता। अब फिलहाल वो गिरफ्तार है और अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका का एक सैनिक इतना बड़ा गद्दार हो सकता है तो आईएसआईएस के साथ क्या और भी अमरीकी सैनिक जुड़े हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी अभी जाँच चल रही है। उधर दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, स्विट्जरलैंड में रजब तैयब अर्दोगान की तस्वीर पोर्ट्रेट को आग लगा दी गई है। जी हाँ, कुर्दिश समर्थकों के द्वारा स्विट्जरलैंड में बड़ा कदम। दोस्तों, जमाल खाकोजी, सऊदी अरब के पत्रकार जिनको मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के अंदर कत्ल करवा दिया था, और इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब जमाल खाकोजी की मंगेतर ने इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ा कदम उठाते हुए पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO पर केस कर दिया है। उनका कहना यह है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करके सऊदी अरब ने जमाल खाकोजी पर नज़र रखी थी और उनको मरवाया था। उधर अमरीकी चैनल CNN ने अपनी खुद एक जांच करी। उस जांच में CNN ने यह पाया और बताया भी कि इसराइलियों ने फिलिस्तीन के होवारा गांव में, जहां सैकड़ों घरों को आग लगा दिया था और हज़ारों फिलिस्तीनियों को मारकर घायल कर दिया था और कई फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया था, सैकड़ों फिलिस्तीनी गाड़ियों में आग लगाई थी, उस दंगे को रोकने के लिए इसराइल की मिलिट्री ने गोलीबारी तो छोड़िए कोई कदम नहीं उठाया था, यहूदियों को पूरी छूट दी गई हुई थी। दिल्ली के दंगे आपको याद आ गए होंगे, उत्तराखंड से लेकर देश भर में, भारत में खासकर मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है और सरकार और प्रशासन किस तरह से उन्हें छूट दे रही है, ये खबर देखकर, ये खबर समझकर आप सारे मामला समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। यानी कई जगह फिलिस्तीनियों के ऊपर जब यहूदियों की भीड़ ने हमला किया तो CNN की रिपोर्ट ये है कि इसराइल की मिलिट्री ने किसी भी यहूदी को रोका नहीं। उधर देखिए, ये देखिए, हेब्रॉन के इलाके में एक बार फिर से, फिलिस्तीन के हेब्रॉन के इलाके में फिर से यहूदियों ने घुसपैठ करी और एक साथ सैकड़ों आंसू गैस के गोले ज़मीन पर दागे। देखिए, ठीक इसी तरह से जो यहूदी हैं फिलिस्तीनियों को जेरूशलम में ज़बरदस्ती अब परेशान कर रहे हैं। कुछ सेकंड का वीडियो आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, लेकिन देखिए। फिलिस्तीनियों के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है और दुनिया खामोश है। हालांकि लगभग 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं और नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी लोग सड़कों पर उतरकर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया दिखा नहीं रहा।
उधर एक खूबसूरत सी गलती हुई है, एक खूबसूरत सा इंसिडेंट हुआ है। आयरलैंड का एक जहाज रयान एयर, वो आयरलैंड से उड़कर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचने वाला था। इस जहाज में सारे के सारे यहूदी सवार थे। दोस्तों, लैंडिंग से पहले पायलट ने एज यूजुअल हमेशा की तरह ऐलान किया, नमस्कार दोस्तों, कि हम तेल अवीव यानी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में जल्द लैंड करने वाले हैं। फिर से सुनिए, क्योंकि उसने एक बार नहीं, कैप्टन ने 6 से 10 मरतबा ऐलान किया, गुड इवनिंग पैसेंजर्स, अब हम तेल अवीव यानी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में 10 से 15 मिनट में लैंड करने वाले हैं। ये कई बार बोला कि कब्जाई हुई जगह पर, फिलिस्तीन पर हम लैंड करने वाले हैं। ये एक बड़ी बात थी। जहाज़ के अंदर बैठे हुए यहूदी तेल मिला रहे थे। जहाज़ जब लैंड किया तो उससे पहले जानकारी इस पूरे कांड की इसराइल को पहुंच चुकी थी। इसराइल बुरी तरह से भड़क गया। उसने आयरिश मिनिस्टर से बात करी, जिस पर एयरक्राफ्ट के द्वारा ये सफाई दी गई, एयरलाइन के द्वारा सफाई दी गई कि उस पायलट के द्वारा ये एक छोटी सी इनोसेंट गलती है, ये जानबूझकर नहीं किया गया है। इसराइल ने बौखलाहट में गुस्से में कहा, ये गलती पहली और आखिरी होनी चाहिए, इस तरह की गलती दोबारा ना हो। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड जो इसराइल के हैं, उन्होंने नेतन्याहू को लताल लगाते हुए कहा है कि ये नेतन्याहू और इसराइल की सरकार की पूरी तरह से हार है, जो अमेरिका और ईरान के बीच अब डील होने वाली है, जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, वो नेतन्याहू की सरकार में हो रहा है। अगर नेतन्याहू सच में हिम्मत वाले हैं तो अमेरिका जाएं और अमेरिका और ईरान की इस डील को रोकें। जहां इसराइल ईरान और अमेरिका की डील पर भड़का और दूसरे देश भिदक गए अमेरिका के ऊपर कि भैया हमसे तो तुमने ईरान से कहा कि दूर हो जाओ, ईरान के करीब मत रहो और ख़ुद तुम उसके में घुस रहे हो, तो इस पर अब सफाई अमेरिका की आई है। अमेरिका ने कहा है कि जो भी खबरें चल रही हैं वो 100% यानी 100% सच नहीं है, यानी सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। तो सफाई देनी पड़ रही है अमेरिका को कि भाई हम ईरान से हाथ नहीं, जबकि ईरान से हाथ मिलाने को अमेरिका तैयार है। तो दोस्तों, ईरान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा वो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5 सालों में पहली बार ये वो वक्त आया है जब ईरान ने सबसे ज़्यादा ऑयल दूसरे देशों को बेचा है। ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके अंदर इंडिया शामिल है, कई देश शामिल हैं। अब इस ग्रुप में शामिल होने के लिए 20 देश और लाइन में हैं। इससे ये ब्रिक्स का संगठन काफ़ी मजबूत होगा। ये ब्रिक्स संगठन अमेरिका के खिलाफ भी एक्टिव रहता है। इस ब्रिक्स के अंदर कुछ अरब और मुस्लिम देश शामिल होना चाहते हैं, जिनके नाम सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, बहरैन, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, नाइजीरिया, बांग्लादेश, वेनेजुएला, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, निकारगुआ। ये वो देश हैं दोस्तों जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अब हमें झुकने को भी तैयार था। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो आसान जबान में मैंने आपके सामने रख दिया है। इससे आसान तरीके से कम वक्त में आपको कोई भी मिडिल ईस्ट की खबर नहीं देगा। लिहाजा अपने बुजुर्गों के लिए, आपको इंटरेस्ट इस खबर में नहीं है लेकिन आपके घर के बुजुर्ग बड़े मिडिल ईस्ट की खबरों की ज़्यादा जो है इच्छुक होते हैं, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि घर वालों को फ़ोन को उठाइए, उनके फ़ोन को लीजिए, उनके फ़ोन में रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।